हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनिजीएस। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम देखने वाले हैं भारत के तट, मैदान और घाट, और यह सब हम मैप के माध्यम से जानेंगे। और इसमें हम सब पहले थ्योरी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और काफी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें जान लेते हैं भारत के सभी तट रेखा के बारे में। तो भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। तट रेखा क्या होती है? कोस्ट लाइन इंग्लिश में कहते हैं इसे। किसी भी समुद्र, नदी, तालाब आदि के किनारे स्थित स्थलीय भाग को तट कहा जाता है। वह रेखा जो जल एवं स्थल को अलग करती है, उसे तट रेखा कहा जाता है। और भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है, वह 6100 किलोमीटर है। आप यहाँ पर ये कलर में देख सकते हैं, 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। और अगर भारत के सभी द्वीपों को मिला दिया जाए, तो 7516 किलोमीटर भारत की तटीय लंबाई हो जाएगी। और भारत 9 राज्यों से घिरा हुआ है। भारत के जो तटीय रेखा की सीमा है, वह 9 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं वो? तो पहला है इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इसमें जो पश्चिम की तरफ है, उस तरफ 5 राज्यों की सीमा भारत की तट रेखा से लगती है, और पूर्व की तरफ 4 राज्यों की सीमा भारत से लगती है। और इसमें जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, वह है गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। और इसकी सीमा कितनी है, इसकी लंबाई? तो ये है 1214 किलोमीटर। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा, इसकी सीमा है 101 किलोमीटर। अन्य पॉइंट भी जान लेते हैं हम। इसके अलावा 9 राज्य के अलावा भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भी भारत के समुद्र तट से लगती है। तो ये कौन कौन से हैं? पहला है इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है पुदुचेरी। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं लक्षद्वीप। यहाँ पर ये जो बूंद बिंदु के रूप में दिखाई दे रहा है, ये लक्षद्वीप है। नेक्स्ट आता है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जिसे अब मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों की सीमा भारत की समुद्र तल से लगती है। और इसमें सबसे लंबी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। इसकी कितनी सीमा है? तो ये है 1962 किलोमीटर। और सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, और इसकी सीमा है 300 किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं भारत के तट, मैदान और घाट के बारे में। तो भारत का ये तट है, इसे पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है, और इस तरफ के तट को पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये पूर्वी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को, यहाँ पर ये जो पूर्वी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है, इसे पूर्वी घाट कहते हैं। और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो पश्चिमी घाट है, इसे सह्याद्री पर्वत, और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये नाम भी ध्यान रखने हैं। और यह घाट जो है, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये पठारों की ढलान होती है, क्योंकि यहाँ पर ये पठार होता है। तो ये पठार के जो किनारे होते हैं, यहाँ पर ये किनारे हैं, पठार की ढलान है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये जो पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी ये जो तट है, इन तट से ये जो लगी हुई सीमा है, यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान होते हैं। ये जो आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं, ये पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान है। और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं जो भी तट है, तो गुजरात से दमन तक का जो तट है, उसे कठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। दमन और गोवा के बीच कोंकण तट आता है, और गोवा और कर्नाटक के बीच केनरा तट, मालाबार तट आता है कर्नाटक और केरल के बीच में। तो ये चारों तट ध्यान रखनी है आपको, कठियावाड़ तट, कोकर तट, केनरा तट और मालाबार तट। और यहाँ पर तमिलनाडु, जैसे कन्याकुमारी यहाँ पर भी है, कन्याकुमारी स्थित है, तो यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का जो तट है, इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और आंध्रा और पश्चिम बंगाल के बीच का जो क्षेत्र है, इसे डेल्टा क्षेत्र भी कहते हैं। और इसी क्षेत्र को उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने ये सभी पॉइंट देख लिए हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जिस स्थान पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पर मिलते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे
ऊंची चोटी है डोडा बिट्टा, और नीलगिरी पहाड़ियों के ही को ही पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पहाड़ी में ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सभी पॉइंट इससे। और यहाँ पर ये जो कन्याकुमारी है इसे केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता रहता है। इसके अन्य पॉइंट हैं, पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख को एस्चुरी भी कहते हैं। और उड़ीसा के आसपास का जो तटीय मैदान है और महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है इसे उत्कल मैदान के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे उत्कल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, जो कि कृषि के दृष्टिकोण से भी ज्यादा उपयुक्त है। और इसीलिए पूर्वी तटीय मैदान यहाँ पर ये जो है पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि जहाँ पर कृषि योग्य भूमि ज्यादा होती है लोग वहीं पर निवास करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब हम देख लेते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, मीन सी लेवल क्या होता है। आपने अगर आप स्टेशन पर किसी भी स्टेशन से गुजर रहे हैं तो आप कुछ इस प्रकार के बोर्ड देखते हैं जिसमें लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि MSL, मीन सी लेवल क्या होता है। तो ये क्यों लिखा जाता है ये डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या होता है हम ये जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों को दुनिया की एक समान ऊंचाई नापने के लिए एक ऐसे पॉइंट की जरूरत होती है जो कि एक समान रहे, इसलिए समुद्र सबसे अच्छा विकल्प है। और MSL की मदद से ऊंचाई की गणना करना बेहद सहज हो जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि समुद्र का जल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। तो समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है उसे शून्य माना जाता है, और वहीं से किसी भी जगह की ऊंचाई को मापा जाता है। अगर यहाँ पर आप चित्र में देख लें ये समुद्र तल है, तो अगर हम कहेंगे कि एवरेस्ट कितना ऊंचा है तो वो समुद्र तल की ऊंचाई से ही 8,000 किलोमीटर जितना भी ऊंचा होता है। तो यहाँ से समुद्र तल की ऊंचाई से ही उसकी ऊंचाई किसी भी जगह की मापी जाती है। और यह अलग अलग जगहों पर गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर के कारण कुछ अंतर पाया जाता है। अलग अलग जगहों पर गुरुत्वाकर्षण बल में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। और ये अंतर क्यों होता है, क्योंकि भूपर्पटी की जो चट्टाने हैं उसमें कहीं पर सघनता होती है, कहीं पर विरलता होती है। इसी के कारण प्रत्येक जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होता है। और यहाँ पर मैं ये मिटा दूँ पहले, और यहाँ पर प्रत्येक जगह पर इस समुद्र तल की पृथ्वी के केंद्र से जो ऊंचाई होती है वो समान नहीं होती है। और ये समुद्र तल को ही ज़ेनिथल सतह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए प्रत्येक देश अपने सर्वेक्षणों के लिए किसी एक निश्चित जगह के समुद्र तट पर स्थित बिंदु के समुद्र तल को संदर्भ मानकर ऊंचाइयों की गणना करता है। तो प्रत्येक देश अपना अपना अपने अपने देश में किसी एक बेस मान लेता है औसत ऊंचाई, और उसी ऊंचाई से अपने देश की जो किसी भी जगह की ऊंचाई है वहां की गणना की जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और भारत में वह स्थान कौन सा है, तो भारत में मद्रास से समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है। तो अब हम देखने वाले हैं इसमें ये जो भारत का समुद्री विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो इसमें स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल इंटरनल वाटर कहते हैं। अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। तो आंतरिक जल क्या होता है, अगर आप समुद्र के किनारे देखेंगे तो किसी भी समुद्र और जो स्थल और जल होता है इसके बीच में कुछ जो भूमि होगी वो कुछ इस प्रकार से टूटी फूटी रहती है। तो यहाँ पर एक लाइन खींची जाती है जिसे आधार रेखा कहेंगे। यहाँ पर इस टूटी फूटी जमीन के किनारे एक लाइन खींची जाएगी, इसे आधार रेखा कहेंगे। तो आधार रेखा से जो अंदर का क्षेत्र होगा जमीन की तरफ, वहां पर जो भी पानी आएगा, कुछ झील आएंगी, कुछ क्योंकि कहीं पर कुछ जो भूमि होती है वो जमीन की तरफ होती है स्थल की तरफ, और कहीं पर ये जो भूमि होती है वो जल की तरफ निकली होती है। तो इसके बीच में जो लाइन खींची जाएगी और स्थल की तरफ जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र में जो भी पानी होता है उसे इंटरनल वाटर कहते हैं, और जो क्षेत्र होता है यहाँ पर जो स्थल होता है उसे अंतः स्थल कहेंगे। और यहाँ पर ये जो रेखा खींची जाती है इसे आधार रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब हम आगे देखने वाले हैं यहाँ पर प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या होता है, इसे क्षेत्रीय सागर या फिर टेरिटोरियल सी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है। आधार रेखा से
सागर की ओर मापी जाने वाली दूरी है जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है, और इस क्षेत्र के उपयोग को भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है वह क्षेत्र टेरिटोरियल सी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं समीपस्थ स्थल क्या होता है। कॉन्टिगुअस जोन का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है, और इस क्षेत्र पर भारत को सीमा शुल्क वसूली का और वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो आधार रेखा है, इस आधार रेखा से 24 मील की दूरी को कॉन्टिगुअस जोन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आधार रेखा से ये 200 समुद्री मील तक होता है, और इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट प्राप्त हुई है। तो ये सभी बातें आप जान गए। इसके बाद में जो भी क्षेत्र बचता है उसे क्या कहते हैं, तो इन तीनों क्षेत्र के बाद जो भी समुद्र बचता है उसे इंटरनेशनल वाटर यानी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और इसे खुला समुद्र हाई सी और मुक्त सागर के नाम से भी जाना जाता है। और 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.8 किलोमीटर 1852 मीटर होता है। तो अब यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं ये जो गहरा नीला रंग का ये जो क्षेत्र है ये किसी भी देश के अंदर में नहीं आता है, ये खुला समुद्र है यानी। और यहाँ पर ये जो भारत का अगर आप क्षेत्र देखें, जो भारत की जो सीमा है समुद्र तल में वो कुछ इस प्रकार से है, तो ये भारत की सीमा है। और ये बाकी जो भी क्षेत्र आपको दिख रहे हैं ये हल्के कलर में, तो ये सभी अलग अलग देशों की सीमा होती है, समुद्र सीमा। अब हम इस वीडियो में सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो किस तल से, अभी हमने बात किया है चेन्नई से। नेक्स्ट है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है। तो यह तट से 12 समुद्री मील तक होता है। तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो तट रेखा की लगभग लंबाई कितनी है, 7500 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो ये है गुजरात की, और सबसे छोटी किसकी है, गोवा की है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं, तो 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से लगती है। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों के द्वारा होता है। तटीय अपरदन में समुद्री लहरें, ज्वार भाटा धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इसमें सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों के द्वारा होता है। अपरदन क्या होता है, तो यहाँ पर आप अन्य किसी वीडियो में मैं बताऊंगी। नेक्स्ट है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। तो अभी हमने डिस्कस किया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम होता है कोरोमंडल तट। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन डेल्टा, कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमोरिन के मध्य स्थित है, तो ये है कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किसे केप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो हमने डिस्कस किया था कन्याकुमारी को जाना जाता है। भारत की पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है, तो क्या है ये नाम, यह है कुंकण तट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो गोवा की, और सबसे लंबी है गुजरात की। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं ये जो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। समुद्र तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, तो तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल तट कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो यहाँ पर पश्चिमी तट का कौन सा तट भाग नहीं है, कोरोमंडल तट। कठियावाड़, कोकण और मालाबार ये पश्चिमी तट के भाग हैं, लेकिन कोकण तट पूर्वी तट के भाग में आता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो यह है कोरोमंडल तट। कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो ये विस्तृत है गोवा से दमन तक। नेक्स्ट है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, तो इसे कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट क्या है, तो हमने डिस्कस किया था पठारों की ढलान है, क्योंकि यहाँ पर पठार पाया जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, इसे कोकण तट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है, तो यह स्थित है तमिलनाडु में। भारत में निम्न में से किस राज्य के तटीय मैदान को उत्कल का मैदान कहा जाता है, तो ये भी डिस्कस किया था हमने, उड़ीसा को। तो
तो इस वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को देखा प्लस हमने थ्योरी भी जाना, तो आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इसके एक नोट्स बना लीजिएगा और उस नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा ताकि ये सभी पॉइंट आपको याद रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।